जीरो से सैकड़ों करोड़ के बिजनेस की जो मेरी जर्नी रही है, मुझे अपनी लाइफ में कुछ करके दिखाना है। मैंने कभी नहीं सोचा था, ये बचपन से मेरे मन में था कि मुझे कभी कोई जॉब नहीं करनी है, मुझे जॉब लेने किसी के यहाँ नहीं जाना। मैं हमेशा यही सोचता था कि मैं किसी के यहाँ जॉब लेने ना जाऊँ, बल्कि मुझे अपने आप से खुद में कुछ करना है, मुझे कुछ प्रूव करके दिखाना है अपने आप। ये बचपन से ही मेरी इच्छा थी। की गाड़ियाँ आती थी ना गांव में या वहाँ पे, तो देखते थे, खुश होते थे। हमें लगता था कि एक दिन हमारे पास भी ऐसी गाड़ियाँ होंगी, सोचते थे, लेकिन मेहनत करते। लेकिन ये पक्का था, विश्वास था कि जब मैं जितना कर रहा हूँ, जितनी मेहनत कर रहा हूँ, और जो मेरे अंदर जज्बा है, गाड़ियाँ नहीं, गाड़ियों की लाइन होगी। लेकिन मैंने कुछ पाना है तो पाने के लिए कुछ चीज़ें खोनी पड़ेंगी, अपनी कहते हैं कि सुख चैन नींद, इन सब चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा, आराम को छोड़ना पड़ेगा। लाइफ टफ जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि अगर आदमी ठान ले कि मुझे कुछ करना है, तो उसके लिए फिर इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, हर चीज़ पॉसिबल है। बस आते कि आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, सोच होनी चाहिए। कहते हैं कि जुनून एक पागलपन जो होता है काम के प्रति, वो आपको एक दिन कामयाबी की तरफ ले जाता है। जब तक आपके अंदर जुनून नहीं होगा, पागलपन नहीं होगा, वो आपको कामयाबी की तरफ नहीं ले जाएगा। डिमोटिवेट भी करने वाले होते हैं, ऐसे लोगों से भी बहुत पाला पड़ता है। लोग कहते हैं क्या कर रहा है यार, क्या करेगा, अरे कुछ नहीं, लोग हंसते हैं तो। लेकिन मैंने कभी भी इस चीज़ को नहीं माना कि जो हंस रहे हैं। मैं देख रहा था, मैंने कहा जब एक दिन सब कुछ ठीक होगा, तो एक दिन जो हंस जो ये लोग हंस रहे हैं, शायद यही अच्छा कहेंगे, अप्रिसिएट करेंगे। अप्रिसिएट नहीं करेंगे तो कम से कम वो जो हंसते थे, अपनी जो हंसी को उस समय क्योंकि याद किया करेंगे, तो वो अपने आप को गलत महसूस किया करेंगे, सोचा करेंगे यार हम लोग गलत सोचते थे ये। और मैं समझ रहा हूँ वो किसी को भी डिमोटिवेट शायद आगे ना करें। मेरा जीरो से सैकड़ों करोड़ के बिजनेस की जो मेरी जर्नी रही है, जो मैंने लक्ष्य प्राप्त किया है, ये किस किस तरह से क्या कैसे हासिल किया है, ये सब मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा, आपको इसके बारे में भी जानकारी दूंगा।